तो दोस्तों ये है मेरे पास जेट कोयो का प्रोजेक्टर और मैं आज इस पर स्क्रीन मिररिंग करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे पास कमेंट आया था कि स्क्रीन मिररिंग करके दिखाइए। तो स्क्रीन मिररिंग के लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, ये देख सकते हैं मेरे पास है अमेजन का फायर स्टिक, जो कि यहाँ पर मैंने कुछ दिन पहले परचेज किया हुआ था। तो अगर आप तक से अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यह है मेरे पास एक पेन ड्राइव, क्योंकि एक कमेंट और आई थी कि भाई पेन ड्राइव में मूवी चला के दिखाइए, तो देख सकते हैं मेरे पास 64 GB की सनड्राइव का पेन ड्राइव है, इसमें मैं आज आपको मूवी चला के दिखाऊंगा। और अमेजन फायर स्टिक का इस्तेमाल मैं काफ़ी काम के लिए भी करूँगा, मैं आपको दिखा दूँगा, क्योंकि वहाँ पर आप जो आपको होम थिएटर भी कनेक्ट करके इसमें दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर कमेंट के वजह से यहाँ पर मैं तीन तरीके के इसमें सारा वीडियो बनाया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपना अमेजन का फायर स्टिक यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, जो कि इसी से पावर दे दिया केबल में। और यहाँ पर अपनी पेन ड्राइव लगा देते हैं। जब तक मैं अपनी पेन ड्राइव लगा रहा हूँ तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और भी बेहतर बेहतर मैं इस वीडियो अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। तो क्योंकि देखता हूँ बहुत लोग चैनल मैं वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो यहाँ पर चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पे, ये देख सकते हैं यहाँ पर लेंस, और चलते हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फायर स्टिक ऑन कर दिया, मेरा प्रोजेक्टर में फायर स्टिक कनेक्ट जैसा भी मैंने दिखाया। और यहाँ पर मैं फायर स्टिक का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर फायर स्टिक से मेरे काफ़ी काम है, यहाँ से कनेक्ट करके दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं अपना ब्लूटूथ स्पीकर भी कनेक्ट करके दिखा दूंगा और स्क्रीन मिररिंग का भी ऑप्शन करके दिखा दूंगा। केबल के द्वारा इसमें स्क्रीन मिररिंग होती है, बट वो केबल थोड़े कॉस्टली पड़ रही थी, इसलिए मैंने केबल नहीं के फायर स्टिक का इस्तेमाल किया। फायर स्टिक आपको ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है, यहाँ पर मैंने फायर स्टिक 3rd generation का इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं, पहले तो हम दिखा देते हैं, सॉरी ये इसका रिमोट है। तो यहाँ पर ये देखते फायर स्टिक का रिमोट है और यहाँ पर कुछ देखने के लिए इंटरफेस इस तरीके से आएगा। तो फायर स्टिक लगाने के लिए एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको वाईफाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपके घर में वाईफाई नहीं है तो फायर स्टिक आपका बेकार है, क्योंकि बिना वाईफाई के फायर स्टिक वर्क नहीं करेगा। सबसे पहले आपको इसको नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपका फायर स्टिक चलेगा। तो आपको वाईफाई की नीड है तभी आप इस्तेमाल करेंगे। और सबसे अच्छी बात, फायर स्टिक का इस्तेमाल करेंगे तो जो आपका हमारा जो जेट को युवा प्रोजेक्टर है वो एक बेसिक प्रोजेक्टर है, तो ये आपका एंड्रॉयड प्रोजेक्टर की तरह भी अब वर्क होगा। तो यहाँ पर आप फायर स्टिक का इस्तेमाल करें ताकि ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर चलता हूँ मैं आपको, सबसे पहले तो स्क्रीन मिररिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ, देख सकते हैं यहाँ आपको जाना, सबसे पहले सेटिंग पे देख सकते हैं काफ़ी ऑप्शन खुल गए। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल, ये देख सकते हैं, इसी से मैं आपको स्क्रीन मिररिंग करके दिखाऊँगा। तो पहले हम इसे अनलॉक कर लेते हैं, और ये तो हमारा फ़ोन अनलॉक हो गया। और हम चलते हैं स्क्रीन पे, स्क्रीन पे जाने के बाद में अब हमें पहले जाना है, पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ नेटवर्क में कि यहाँ पर हमारा वाईफाई सेम नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए। मोबाइल भी मेरा सेम नेटवर्क से ही कनेक्टेड है, तभी आपकी स्क्रीन मिररिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वाईफाई जो है कि आपके मोबाइल में भी कनेक्ट होना चाहिए और यहाँ पर फायर स्टिक में भी कनेक्ट होना चाहिए सेम नेटवर्क से। तो यहाँ हम बैक जाएंगे और डिस्प्ले जाएंगे, और यहाँ पर हम जाएंगे सबसे पहले नेम पर डिस्प्ले मिररिंग पे, और यहाँ पर सबसे पहले हम, अब दिखाता हूँ मैं आपको, ये मेरा मोबाइल है और मोबाइल में काफ़ी जगह ऊपर ही यहाँ पर देख सकते हैं मेरे में स्क्रीन कास्ट लिखा है, किसी में स्क्रीन मिररिंग लिखी होगी, अलग अलग नाम से होते हैं। तो हम इसको सबसे पहले इसमें क्लिक करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं सेम नेम दिखा रहा है, ये देख सकते हैं सेम नेम दिखा रहा होगा। तो यहाँ पर भाई, यहाँ पर हम इसे कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमारा मोबाइल है, मैं किनारे कर देता हूँ, और देख सकते हैं हमारा मोबाइल यहाँ से कनेक्ट हो गया है, हमारा स्क्रीन मिररिंग ऑन हो गया है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं मोबाइल, और ये यहाँ से मैं स्लाइड करूँगा और आप देख रहे होंगे दोनों में ही चल रहा है। तो यहाँ पर हमारी स्क्रीन मिररिंग हो रही है, हम आप यूट्यूब में खोल के दिखा देता हूँ, देख सकते हैं यूट्यूब है, बढ़िया से चल रहा है, कोई इशू नहीं है इसमें। और एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा मैं आपको कि मैंने केबल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि केबल मैंने यहाँ पर अमेजोन पे सर्च किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं अमेजोन पे जब मैंने गया तो ये यहाँ पर केबल जो था ये देख सकते हैं 1500-1500 रुपए का, 1000-1000 रुपए की केबल मिल रही है।
तो टाइप सी और तो HDMI केबल यहाँ पर आपको कॉस्टली पड़ रहा है, इससे अच्छा आप फायर स्टिक का इस्तेमाल कर लें। फायर स्टिक ज़्यादा बेटर है, आपको कम प्राइस मिलेगी और इसमें आपके सारे काम हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको स्क्रीन मिररिंग करके यहाँ पर दिखा दिया, जो कि यहाँ पर हमारा मोबाइल अच्छे से वर्क कर रहा है। और ये भाई जिन्होंने कमेंट किया था उनके लिए था कि भाई, उन्होंने कहा था, एक भाई का कमेंट आया था, उन्होंने कहा था स्क्रीन मिररिंग करके दिखाइए। तो हम इसको सबसे पहले, अब यहाँ पर हम इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने स्क्रीन मिररिंग को देख सकते हैं डिस्कनेक्ट कर देते हैं और हमारा स्क्रीन मिररिंग डिस्कनेक्ट हो गया। अब आपको दूसरा ऑप्शन दिखाते हैं, यहाँ पर हमारा देख सकते हैं स्क्रीन मिररिंग ऑफ हो गई। अब हम आपको दिखाते हैं कि मेरे पास होम थिएटर है, देख सकते हैं नीचे लगा हुआ होम थिएटर, इसको ब्लूटूथ मोड पे आपको जाना है। और एक भाई का कमेंट आया था कि इसमें आप स्पीकर कनेक्ट करके दिखाइए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं फायर स्टिक का इस्तेमाल आप देख रहे होंगे कि एक फायर स्टिक से मेरे सारे काम हो जा रहे हैं, कि यहाँ पर हमारा स्पीकर भी कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर हमारे मोबाइल की स्क्रीन मिररिंग भी हो जाएगी, मतलब तो सारे काम आपको देखने को मिल जाएंगे। फायर स्टिक आप जाके, अगर नहीं है आपके पास फायर स्टिक, आप परचेज़ करना चाहते तो हमारे, मैं परचेजिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक के नीचे दे दूंगा, तो वहाँ जाके आप परचेज़ कर पाएंगे बिना कोई परेशानी के। तो यहाँ पर ब्लूटूथ में जाएंगे और हम आपको स्पीकर कनेक्ट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर ऐड ब्लूटूथ डिवाइस, और यहाँ पर आपके पास ब्लूटूथ स्पीकर होना चाहिए, देख सकते हैं मेरा स्पीकर का नाम आ गया, देख सकते होंगे, देख सकते हैं। हम इसे कनेक्ट करेंगे तो ये देख सकते हैं मेरा, देख सकते हैं कनेक्ट हो गया स्पीकर। ओके, तो अभी हमारा स्पीकर कनेक्ट हो चुका है। अब हम आपको कुछ यहाँ पर चला के दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम खोलेंगे YouTube, और अब YouTube हमने खोला, यहाँ पर हमारा फायर स्टिक पे YouTube ओपन हो गया और भाई का ही, चलिए हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे, आपको मैं स्पीकर चला के दिखा देता हूँ। गाने बजा के दिखाता हूँ, तो यहाँ पर हम कुछ भी प्ले करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें, हमारा आवाज बढ़ाता हूँ, देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा फायर स्टिक अच्छे से वर्क कर रहा है। अब भाई आवाज भी नहीं आ रही है, तो आवाज के लिए मैं वॉल्यूम का ऑप्शन, तो यहाँ से रिमोट से मुझे आवाज बंद थी, यहाँ से मुझे रिमोट से ऑन करना पड़ा। तो ये देख सकते हैं हमारा होम थिएटर काम कर रहा है। मैं आपको, ये अपना होम थिएटर का रिमोट है, मैं इसको आपको आवाज बढ़ा के दिखाता हूँ। सुन सकते हैं हमारा स्पीकर चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा स्पीकर चल रहा है, देख सकते हैं क्वालिटी यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर मैं कोई वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ कि कोई भी, यहाँ पर वीडियो मैंने प्ले करके दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर भाई सब यही देख लेते, 4K ही था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रेजोल्यूशन चेक कर लेते हैं कि क्योंकि ये सब फिलहाल, क्वालिटी देख रहे हैं, और यहाँ पर 1080 दिखा रहा है, यहाँ पर 1080 भी क्वालिटी आ रही है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, ये अमेजोन का फायर स्टिक है जो कि 4K नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर 4K ना होने के कारण यहाँ पर 1080 तक ही दिखा रहा था। अब यहाँ पर हमारा ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई, मैंने आपको स्क्रीन मिररिंग का स्पीकर कनेक्ट करके दिखा दिया। भाई दो लोग के कमेंट का रिजॉल्व हो गया है, अभी एक आप लोग का कमेंट और आया था। तो भाई का भी कमेंट है कि भाई पेन ड्राइव में कोई मूवी लगा के दिखाइए, तो यहाँ पर मैं आपको पेन ड्राइव में मूवी लगा के दिखाता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर अपने स्क्रीन पे बाहर हो गया, और यहाँ पर देख सकते हैं कि चलिए हम मूवीज़ पे देखते हैं। मैंने यहाँ पर पेन ड्राइव लगाई हुई थी जैसा मैंने दिखा दिया आपको, और पेन ड्राइव में मैं आपको कुछ मूवीज़ प्ले करके दिखाता हूँ।
कि भाई मैंने जितने भी, एक तो ये देखते थे यूएसबी का ऑप्शन आया, और मैंने जितना भी कंटेंट डाला है सब 1080 है, तो ये देखना है कि भाई इसमें प्ले होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर ये मूवी देख सकते हैं, यहाँ पर 6.5 GB की है और फुल 1080 है, तो अनसपोर्टेड फाइल देख सकते हैं, लिख गया 6.5 GB की मूवी है भाई साहब, नहीं चला, एक तो नहीं चला, ठीक है, ये भी 1080 है मगर ये 6.5 GB की नहीं है, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये भी 1080 है। तो यहाँ पर 1080 है ये भी, और इस पे नहीं चली 6.5 GB की फाइल, जो कि अनसपोर्टेड दिखा दिया। 1080 पे ज़्यादा हाई क्वालिटी ये सपोर्ट नहीं करता है। अब मैं दूसरी मूवी आपको चला के दिखाता हूँ, ये थोड़ा कम GB में है, अगर ये चल जाती है तो देखते हैं कि भाई प्रोजेक्टर की क्वालिटी कैसी है। देखिए देखते ये भी नहीं सपोर्ट कर रहा है, मतलब जो कि ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं वो ये सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, देख सकते हैं। और तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये भी 1080 पे ही है, तो यहाँ पर भाई सपोर्ट कर रहा है, ये देख सकते हैं। ये भी 1080 पे है, तो भाई साहब ज़्यादा हाई क्वालिटी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। मैं आपको एक निष्कर्ष बताना चाहूँगा, जो कि ज़्यादा मतलब जैसे ये 6.5 GB की थी, ये भी 4 GB समथिंग की है, तो मतलब कि 1080 में ज़्यादा हाई क्वालिटी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। नॉर्मल जैसे कि ये देख सकते हैं, ये भी 1080 पे मैं डाउनलोड किया बट ये सपोर्ट कर रहा है, तो कुछ आपकी 1080 पे सपोर्ट करेगी, ज़्यादा हाई सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि भाई बजट प्रोजेक्टर है, या इसमें हो सकता है कि इंटरफेस की वजह से ऐसा होता हो, मुझे नहीं मालूम है, कि ये टीवी में भी सेम चीज़ मुझे देखने को मिली कि ज़्यादा हाई क्वालिटी सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, तो यही चीज़ प्रोजेक्टर में भी है। तो ऐसा नहीं है कि 1080 नहीं सपोर्ट करता, भाई 1080 सपोर्ट करता है, मगर ज़्यादा हाई वाली क्वालिटी वाली 1080 सपोर्ट नहीं करता, नॉर्मल वाली सपोर्ट करता है। तो अगर यहाँ पर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कोई भी जानकारी चाहिए आप बिल्कुल बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैं आप ही लोग के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ, और आप लोग की जानकारी पे ही मैं वीडियो बनाया हूँ भाई, कि जो भी प्रॉब्लम हो रिजॉल्व हो सके। तो कमेंट करते रहें, और जो भी कमेंट करेंगे उसका जवाब देता रहूँगा। और भाई मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख के चले जाते हैं, तो आप लोग से निवेदन है कि मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, और कोई भी जानकारी चाहिए मैं फिर से बता रहा हूँ, चाहे मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर, 1500 सब्सक्राइबर, जितने भी हो जाए मैं सभी के कमेंट का जवाब दूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई भी जानकारी चाहिए उसके लिए कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।